नमस्कार, पल पल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नैन्सी। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस खबर से। नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला पहुंचे सरपंचों के धरने पर। सरपंचों का सिरसा बीडीपीओ कार्यालय के समक्ष दिया जा रहा धरना। अभय सिंह चौटाला ने दिया सरपंचों को समर्थन। सरपंचों का मुख्यमंत्री ने किया अनादर। मुख्यमंत्री को सरपंचों से मांगनी चाहिए माफी, अभय सिंह चौटाला की मांग। पल पल के लिए सुरेंद्र भाटिया व अमर सिंह की देखिए ये पूरी रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला आज सिरसा में सरपंचों के धरने पर उन्हें समर्थन देने के लिए पहुंचे। पिछले 5 दिनों से सरपंच बीडीपीओ कार्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। अभय सिंह चौटाला ने सरपंचों को समर्थन देते हुए कहा कि सरकार ने सरपंचों को गुंडा चोर तक कह दिया। यह सिर्फ सरपंचों का ही नहीं बल्कि आम नागरिकों का भी अपमान है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर तानाशाही होने का आरोप लगाया और कहा कि मुख्यमंत्री को सरपंचों से माफी मांगनी चाहिए। अभय सिंह चौटाला ने कल आंदोलन में हुई हिंसा के लिए सरकार को जिम्मेवार ठहराया। हरियाणा में आगामी चुनाव में गठबंधन पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस व भाजपा का छोड़कर किसी से भी इनेलो गठबंधन कर सकती है। एक नया पैसा सरकार की तरफ से किसी काम पे आज तक खर्च नहीं हुआ, उल्टा उनको अपमानित करते हैं, गुंडे और बदमाश बताते हैं, चोर और डाकू कहते हैं। तो फिर मान के चलो, लोगों ने मुख्यमंत्री चुना था, लोगों ने तानाशाह नहीं बनाया था। हर जो आदमी इस तरह की तानाशाही करेगा उसको 100% इस चीज़ का भुगतान करना पड़ेगा। SC ST को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की सरकार ने जिस तरीके से पैर भी नहीं करी, सुप्रीम कोर्ट में एक तरफा जब फैसला दिया, हमने अपनी कार्यकारिणी की मीटिंग के अंदर इनको समर्थन दिया कि आप जो आंदोलन करोगे हमें उसमें हमारा आपको समर्थन है, लेकिन हम नहीं चाहते कि हिस्सा हो, झगड़े हों, बेवजह कोई किसी का नुकसान हो। ये कोई आंदोलन करने वाले लोग नहीं कर रहे थे, ये शरारती तत्व होते हैं जो 100% इस किस्म के काम, जब कोई एजिटेशन होता है उसके अंदर जा कर के ऐसी शरारतें करते हैं। इस तरह की शरारत जब होती है तो सरकार के शह पे होती है। ये जो हिस्सा हुई है, ये जो आगजनी हुई है, लूटपाट कहीं करी गई है, ये सरकार के संरक्षण में है। मैं आप सबको अधिकृत करता हूँ इस बात के लिए, हम गठबंधन 2 पार्टियों से नहीं कर सकते। कांग्रेस और भाजपा से हमारा कोई गठबंधन नहीं होगा। अगर कोई बसपा से गठबंधन की बात आप कह रहे हो कि आपका कोई चल रहा है, अभी तक तो नहीं चल रही, पर आपको अधिकृत करते हैं, आप कोई गठबंधन अगर करवा दोगे तो मैं आपके शुक्रगुजार हूँ। आज की इस खबर में बस इतना ही। आप जुड़े रहें हमारे साथ और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।